वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं हूँ घर पे और डे है आज वेनसडे और मैंने आज लीव ले रखी है ऑफिस से। आप सोच रहे होगे अभी ज्वाइनिंग की है और लीव ले ली तो क्यों ले ली, ऐसा क्या काम आ गया। तो एक्चुअली मुझे आज बैंक में काम था। मेरा बैंक में मैं कई बार जा चुकी हूँ पर मेरा एटीएम नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ एटीएम की वजह से, क्योंकि मुझे पैसे निकालने होते हैं तो वहाँ पे मेरा जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरा थंब बिना लगे पैसे निकलते नहीं हैं। तो पापा मेरे पैसे नहीं निकाल पाते मेरे अकाउंट से, और मुझे फिर बार बार छुट्टी लेने से अच्छा है कि मैं एक बार छुट्टी ले लूँ और मेरे सारे काम मैं निपटा लूँ। तो आज मुझे बैंक जाना है, तो अभी मैं थोड़ा रिलैक्स भी हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है, सारे काम करना होता है तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आज मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ अपने चेहरे की भी केयर कर लूँ, बहुत टाइम से नहीं की है मैंने अपने चेहरे की केयर। तो चलिए, तो आप मेरे स्किन प्रॉब्लम देख रहे होंगे कि मुझे बहुत सारे पिंपल्स हो रहे हैं और कील्स भी हो रही हैं, आप देख रहे हैं शायद, और देख रहे हैं ना कि निशान अभी तक नहीं गए हैं। तो ये कुछ निशान दिए हुए हैं मेरे चेहरे पे, मेरे कुछ पास्ट से रिलेटेड। तो चलिए मैं ना पहले अपने स्किन पे थोड़ा सा कुछ करती हूँ अच्छा सा, फिर देखते हैं कितना अच्छा रिजल्ट। आज जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ जिसका मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ वो है पपाया जेल। स्टैमियो का पपाया जेल है और ये देखती हूँ मैं यूज़ करने के बाद इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो इसके मैं आपको बेनिफिट बता दे रही हूँ, बेनिफिट इसके क्या क्या इसमें लिखे हैं तो मैं आपको बेनिफिट बता दे रही हूँ इसमें क्या क्या बेनिफिट। तो इसके बेनिफिट आपको बता दे रही हूँ। नॉन स्टिक जेल हेल्पफुल फॉर ऑल डे हाइड्रेट, टेंड्स टू लाइटन डार्क स्पॉट, वर्क ऑन रिड्यूसिंग विंकल्स एंड फाइन लाइंस। तो ये है ना बहुत ही असरदार है। इस जेल में क्या है, एक तो ये नेचुरल है, यानी कि ये इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं है। तो अगर जो आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो अपने स्किन पर उस पर अगर आपको केमिकल से मिला अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है कि आपके स्किन पर साइड इफ़ेक्ट्स आने चालू हो जाते हैं। तो इसलिए आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो उसमें कोशिश करिए कि आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो यानी परचेज कर रहे हो वो उसमें केमिकल ऐड ना हो। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये स्टैमियो पपाया जेल है, प्योर नेचुरल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, नो एडिट आर्टिफिशियल कलर, यानी कि इसमें कोई भी कलर नहीं है, ये पारदर्शी है। मैं आपको दिखा चुकी हूँ इसका, एक पहले मैंने दिखाया था, अभी मैं आपको फिर से शो कर दे रही हूँ। सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि इसको आप स्किन के साथ साथ अपने बालों पे भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ। स्टैमियो इज कमिटेड टू प्रोवाइड प्योर नेचुरल हेयर स्किन केयर प्रोडक्ट विच आर स्पेशली डिजाइंड ऑर्गेनाइजली टू प्रोवाइड अ कम्प्लीट सॉल्यूशन टू ऑल योर हेयर स्किन प्रॉब्लम्स। और फोकस इज टू डिलीवर बेस्ट हेयर स्किन केयर प्रोडक्ट डेट आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, यानी कि इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आई आपकी स्किन पे बहुत अच्छा फ़ायदा देगा, और इसे सच मानिए कि इसे यूज़ करने के बाद आपको इसको फ़ायदे ही मिलने हैं। तो चलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ ये कैसा। इसका पैकेजिंग बहुत अच्छा लगा मुझे। एक लोगों ने मुझे बोला था पैकेजिंग नहीं होता है, पैकेज होता है। तो जब भी हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसमें ING का प्रयोग ज़रूर करते हैं, ये तो नॉर्मली सबको पता है। तो चलिए मैं इंग्लिश की क्लासेस नहीं दे रही हूँ आप लोगों को, तो चलिए मैं आपको यूज़ करके बताती हूँ। इसकी पैकेजिंग मुझे अच्छी लगी है, यानी कि जो भी आपको नेचुरल चीज़ें मिलती हैं उसमें पैकेजिंग अच्छी नहीं आती, इसकी पैकेजिंग लेकिन अच्छी लगी मुझे। तो ये पारदर्शी यही है, ये ओरिजिनल है, इसमें कोई कमल कह रही हूँ, इसमें कोई कलर ऐड नहीं है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई कलर ऐड नहीं, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है इसमें, ये ओरिजिनल है। तो चलिए मैं इसको ऐड करके बताती हूँ कि कैसा है। तो चलिए ये देख लीजिए, मैंने इसका पैकेज खोल दिया और ये ऐसा है। तो चलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। पारदर्शी है ये, बिल्कुल पूरा का पूरा पारदर्शी है। तो इसको अपने चेहरे पे अप्लाई करना है अच्छे से, और जब भी आप इसको अपने चेहरे पे अप्लाई करते हैं यानी कोई भी प्रोडक्ट अपने चेहरे पे अप्लाई करते हो उससे पहले आप फेस वॉश ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपके फेस में जो भी डस्ट होगी वो क्लीन होने के बाद प्रोडक्ट अच्छा असर देता है।
ऐसा लग रहा है जैसे हम ओरिजिनल चीज यूज नहीं करते, सेम वही फील आ रहा है, सेम वही फील। और इसको यूज करने के बाद, आप थोड़ा अप्लाई करने के बाद इसको, है ना, स्क्रब जरूर कीजिए अपने हाथों से। और स्क्रबिंग करने के बाद आप इसको 5 मिनट तक अपने चेहरे पे बना के रखिए, जिससे कि आपके चेहरे पे एक अलग सा ग्लो आता है। तो चलिए, मैं इसको यूज़ करने के बाद 5 मिनट बाद मिलती हूँ आपसे। तो 5 मिनट कंप्लीट हो गए थे और मैंने फेस वॉश करने के बाद देखिए कितना क्लीन लग रहा मेरा फेस। और अगर आपको स्टेमियो पपाया जेल का इसका डिटेल जानना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हो तो घर बैठे आपको ऑर्डर भी कर सकते हो, तो जल्दी जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए। अगर नहीं करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ट है। और आई होप आपको पसंद आया हो वीडियो। वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। तो आप सोच रहे होगे ये नकाब वगैरह पहन के कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ बैंक। बैंक का मैंने बताया था आपको, मॉर्निंग में काम है इसकी वजह से मैंने छुट्टी ली थी। तो देखती हूँ मेरे ATM का क्या हुआ। वैसे मुझे पता है ATM आया नहीं होगा। और थोड़ा नोटिस मत करना, बैकग्राउंड में कच्ची कच्छा सूख रहे हैं। पापा कर रहे हैं ऑटो वाले से बात, क्योंकि हमारे पास कोई भी गाड़ी नहीं है, साइकिल तक नहीं है। पहले मेरी साइकिल वाइकिल थी, अब तो बैंक से आ गई हूँ। और मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया है। मूड क्यों ऑफ है, मतलब मेरा ATM इशू हो गया। ठीक है, अब वो ये बोल रहे हैं कि आपका ATM आ चुका था लेकिन पोस्ट ऑफिस वालों ने दिया नहीं है, तो आप एक काम करो, ये एक ना एक एप्लीकेशन लिख दो, उसमें ये लिख दो कि मेरा ATM पहले वाला रद्द कर दिया जाए और सेकेंड वाला अप्लाई कर दो, यानी कि नया एक इशू कर दिया जाए ATM। आप ये बताओ, जब मेरा ATM पहले से बन चुका था, जब मैं ATM का फॉर्म भर रही थी, तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन आप मुझे बार बार परेशान कर रहे हो। ठीक है, अब उसमें पैसे ही नहीं आने हैं तो इतना टेंशन भी नहीं है। अब इतनी टेंशन लेकर नहीं जीना है। ठीक है, बहुत टेंशन ले ली मैंने, और मैं लाइफ की टेंशन लेते लेते मैं इतनी टेंशन ले गई हूँ। सब लोग कहते हैं कि तुम्हारे आगे पूरी लाइफ चली है, सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलना। आज मूड सच में बहुत ऑफ है मेरा। तो सॉरी, मैं घर आके है ना सो गई। मुझे पता नहीं चला मुझे कितनी गहरी नींद आई। बैंक से आई, बैंक से मैंने थोड़ी देर आप लोगों से बात की, उसके बाद मैं सो गई। मुझे पता नहीं क्यों इतनी थकान होती है और मुझे नींद तुरंत आ जाती है। मैं कितने टाइम पे भी सो जाऊँ मुझे नींद तुरंत आ जाती है। मैं मेरी पता नहीं ये क्यों टेंशन बनती जा रही है। इस तरीके से अगर मैं रहूँगी तो मैं अपने फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाऊँगी। और आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे पापा के बीच में बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। मेरा मूड इतना ख़राब था, मैंने अपने पापा को बहुत अपसेट कर दिया। क्योंकि पुरानी बातें जब खुल जाती हैं तो लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं हम लोगों के। आप लोग सोचते होंगे दो लोग क्या लड़ाई करते होंगे, क्या झगड़ते होंगे। तो आज हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से मेरी और पापा की लड़ाई हो गई। क्योंकि मेरे अकेले के लोड, मतलब मैं अकेले लोड नहीं ले सकती इतना, क्योंकि घर चलाना आसान बात नहीं होती है। मैं उनसे कई टाइम से बोल रही हूँ, पापा छोटा मोटा काम कर लो, छोटा मोटा काम कर लो, मेरे अकेले की बस की बात नहीं है कि मैं पूरा घर मैनेज कर सकूँ। अभी तक आ रियल स्टोरी ब्लॉग था तो उसमें अजमेरा फैशन मुझे मिल रहा था, तो वहाँ पे मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। जॉब या सैलरी, जॉब से मेरी इतनी सैलरी नहीं बनेगी कि जितना इस घर का गुजारा हो सके। तो थोड़ी सी टेंशन होगी मेरे और मेरे पापा के बीच। और यहाँ पे मेरा जो ब्लॉग जा रहा है आप लोग इतना नहीं देख रहे हो, जिसकी वजह से व्यूज़ नहीं आएंगे। तो जाहिर सी बात है डॉलर नहीं बनेगा, डॉलर नहीं बनेगा तो सैलरी नहीं आएगी। तो मेरे ऊपर इतनी परेशानियाँ आ गई हैं, अटेंडम इतनी परेशानियाँ आ गई हैं, क्योंकि मुझे घर के पेपर अपने नाम कराने थे, मुझे आपको मैंने बताया था।
उसके लिए कुछ सेविंग करनी थी। आप सैलरी से या तो मैं अपना घर चला लूँ या मैं डॉक्यूमेंट अपने नाम करा लूँ। तो आगे के रास्ते सारे ब्लॉक दिख रहे हैं, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और ठीक है भाई, नहीं है कुछ भी, अकेले ही सफ़र रास्ता मजबूत करना पड़ेगा। सब लोग जिनके पेरेंट्स नहीं होते क्या वो चलते नहीं हैं, ये समझो आप कि मेरे घर में एक बाइक नहीं है, एक बाइक तो छोड़ो एक साइकिल नहीं है। यानी जो पापा को साइकिल मिली है वो बड़े पापा की है। मतलब ये कंडीशन है, मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं पैदल जाती हूँ या ऑटो रिक्शास वगैरह पे जाती हूँ। आज की डेट में एक गाड़ी नॉर्मल होती है, आजकल लोग एक स्कूटी यूँ ले लेते हैं, पर मेरे पास नहीं है। मुझे उसका अफसोस नहीं है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है। मुझे ये लगता है कि यार छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी ना तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। मैं बहुत सिंपल तरीके की लड़की हूँ, मेरी कोई ऐसी ख्वाहिशें नहीं थी, और जितनी मैं आगे बढ़ रही हूँ उतना मुझे पैर खींचने के लिए लोग रास्ते उतने बना रहे हैं। ठीक है, जो मेरे साथ जैसा करेगा पता नहीं भगवान उसे वैसा देगा कि नहीं देगा, लेकिन मैं ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेल रही हूँ, खा रही हूँ, अपने बाप का खा रही हूँ, अपना खा रही हूँ, किसी और के नहीं खा रही यार। लोग मुझसे बोल देते तू मोटी है, खा खा के भैंसिया हो रही है। सोच के लगता है यार कैसे आप बोल देते हो यार, मुझसे चला नहीं जा रहा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खा खा के मोटी भैंसिया हो गई हूँ। एक लड़का एक लड़की से शादी कर लेता है, उसे बेकार करके छोड़ देता है, वो लड़की कहीं किसी लायक नहीं रहती है। आप लोगों के लिए सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग मनोरंजन को सीखने आते हैं, राइट? लेकिन सोशल मीडिया का काम ये होता है एक की परेशानी दूसरे तक पहुँचना। जब इंसान अपनी परेशानियाँ किसी से नहीं कह पाता है तब सोशल मीडिया का यूज़ करता है, और वहाँ पे भी अगर उसे चार लोग यूज़ नहीं करने देते कि तू क्यों अपनी परेशानी बता रहा है, तू क्यों, तो वो अंदर ही अंदर घुट के कुछ ऐसा कदम उठा लेता है जिसकी वजह से आने वाले टाइम पे कुछ पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता उसके अलावा। अब आप सोचते होगे कि पापा क्यों कुछ नहीं करते हैं, तो किसी के फादर को ड्रिंक करने का होता है नशा, किसी को तम्बाकू खाने का नशा होता है। मेरे पापा को नशा है नेतागिरी का, मेरे पापा बीजेपी के, जो हमारे श्रीमान राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्री, उनके लिए पागल हैं, हद से ज़्यादा पागल हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उनके जन्मदिन मनाने में, पूरा पैसा उनके जन्मदिन मनाने में इन्वेस्ट कर दिया। अपनी बेटी के लिए 1% उन्होंने नहीं सोचा, क्यों? उन्होंने सोचा कि अरे उनकी बेटी तक तो उनके जो श्रीमान राजनाथ सिंह हैं वो करेंगे। पर ऐसा नहीं होता है, कोई नेता आपको नहीं देने आता रोटी, कोई नेता नहीं आया था उस टाइम पे पास बनवाने जब मैं वहाँ पे फंसी हुई थी, जब मेरे पति की डेड बॉडी थी वहाँ पे, कोई नेता नहीं आया था। मेरे पापा सभासद हैं कहने के लिए, पर पैसे एक नहीं मिलते उनको, एक चवन्नी नहीं मिलती। क्यों? उनको कमाना नहीं आता, उनको काला पैसा कमाना नहीं आता। दुनिया में सभी पैसे कमाना जानते, लेकिन मेरे पापा नेतागिरी से पैसे कमाने नहीं जानते हैं। आज की डेट में वो ऐसे हो गए हैं कि वो अपनी ज़िंदगी बस ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके चलाओ, अपनी ज़िंदगी चलाओ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो बहुत बुरे हैं या अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं,
समझ क्या नहीं रहे हैं, उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि आगे के रास्ते लड़की के कैसे खुलेंगे। मुझसे कभी कभार ऐसी बातें कह देते हैं कि अपना देखो तुम, मैंने ठेका थोड़ी लिया है, तो वो चीज़ बुरी लगती है क्योंकि आपने इस दुनिया में लाया है मुझे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मेरे अकेले की बस की बात नहीं है अब पूरा मैनेज करना, और जिस टाइम पे मैं इतना कमा रही थी उस टाइम पे मुझे मेरे घर वालों ने जॉब छुड़वा के शादी का प्रेशर दे दिया। जिस टाइम पे मैं IRCTC मेलिंग प्रोसेस में काम करती थी, वहाँ मैं पैसे जोड़ रही थी, उस टाइम मेरे फादर ने एक बार नहीं सोचा कि लड़की कमा रही है सेटल्ड हो जाएगी, तब नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि मुझे रिलेटिव के यहाँ रहना था। मेरे फादर और मेरे बीच में उस टाइम पे इसलिए बहस हुई थी, मैंने पापा से बोला था पापा मैं सेपरेट रहना चाहती हूँ, फैमिली के बीच में नहीं बनता है, रिलेटिव्स के बीच में नहीं बना पाती हूँ रहना, कंफर्ट फील नहीं होता है। तो उस वजह से बोले कि नहीं शादी हो जाए, जहाँ जो करना है करना जाके, यहाँ मत करो। शादी हो गई और शादी के बाद क्या हुआ, घर बैठ गई आके। तो जो इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भागता है उसे भगवान उतनी जिम्मेदारी देता है। तो अगर आप बच्चे या अपने घर में कोई भी कुछ भी सोच समझ के कीजिए, क्योंकि अगर आप बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हो तो बच्चा पैदा करने का किसी को अधिकार नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे फादर बहुत ख़राब है, उनका नेचर बहुत अच्छा है, वो हद से ज़्यादा सीधे हैं, लेकिन सीधे कहाँ होते हैं, जब मेरी बड़ी मम्मी मुझे गाली दे रही होती हैं तब वो सीधे होते हैं, जब मेरे ससुराल वाले गाली दे रहे होते हैं तब वो सीधे होते हैं, और जब मेरा टाइम आता है, जब मेरी कोई बात होती है तब वो टेढ़े होते हैं। क्यों पापा? मेरे टाइम पे टेढ़े हो आप, मेरे टाइम पे आपको आपका मुंह खुलने लगता है, मुझे ही आप इमोशनली, मेरे ऊपर है सारे इमोशनली हथकंडे अपनाते हो। आज की डेट में जो लोग ये बोलते हैं बॉयफ्रेंड यार, कहाँ है वो बॉयफ्रेंड, कहाँ है वो यार, जहाँ जब मैं पैदल जाती हूँ कोई बॉयफ्रेंड नहीं आ जाता बाइक लेके, कोई यार नहीं आ जाता अपनी फोर व्हीलर लेके, ठीक है? तो बोलने से पहले किसी के बारे में सोचा करो, तुम्हारा तो है, तुम्हारा तुम खूब घूमो गाड़ी घोड़े से, नहीं है यहाँ पे नहीं घूम रही हूँ, तुमने तो यार मेरी स्टोरी तक झूठी बता दी, तुम्हें तो पता है कि मैं कितना स्ट्रगल कर रही, मेरे तो छत भी नहीं है ऊपर सर के, कब कहाँ से निकाल दी जाऊँगी, तुझे पता है ये चीज़ अच्छे से, यार खसम ये वो, इतनी नीचता पे गिर गई, लिमिट होती है यार गिरने की भी। जो सो कॉल्ड मेरी फ्रेंड थी उसने नीचता जब दिखा दी थोड़े से सामान के चक्कर में, मुझे कोर्ट थाने महिला थाने के चक्कर कटवा दिए। अगर कहीं ये बहुत बड़ा सामान होता तो पता नहीं क्या करती, तो मेरी जान ही ले लेती, और क्या क्या आरोप लगाया, धमकी देना, मैं किसी को धमकी नहीं देती हूँ, मेरी औकात नहीं है, मेरी औकात इतनी सी है, इतनी सी भी नहीं है, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, किसी का करती भी नहीं हूँ, लोग मेरे साथ खेल के चले जाते हैं, क्यों? अपने फ़ायदे के लिए। मैं आज तक किसी का फ़ायदा नहीं उठा पाई, कम से कम सोचा करो कि क्या बोल रहे हो, बोलते टाइम सोचा करो, कोई यार नहीं आ रहा यहाँ पे, यहाँ खुद ही करना पड़ रहा है। हाँ यार जब आता जब उसने बिहा लिया होता, कोई ने बिहाया नहीं है मुझे अभी, और कोई करता नहीं है फोकट में किसी के लिए,
और ना कोई बॉयफ्रेंड आ जाता है। बहुत मेहनत करती हूँ मैं, सुबह जल्दी उठती हूँ, फिर जाती हूँ जॉब के लिए। जिस हिसाब से मेरा काम है उस हिसाब से मेरी सैलरी है। कोई मैंने ऐसा कोर्स नहीं कर रखा है जिससे मेरी सैलरी इतनी मिले कि हाँ जो मैं चला लूँ। मेरे पापा का भी पता नहीं कौन सा एक ईगो है, ठाकुर बनती, हम राजपूत हैं, ठाकुर हैं तो हम छोटा काम नहीं कर सकते। घर में लाले पड़ जाएं लेकिन छोटा काम नहीं करेंगे। ऐसी शान, ऐसी फालतू की चीज़ें कहाँ जाएगी। मैंने कितने बार बोला घर बैठे बहुत से काम हो सकते हैं, लेकिन नहीं, हम नीच कौम के काम नहीं करेंगे। कैसी सोच है, मतलब ये मानना पड़ेगा लड़की आगे लड़की के लिए सारे रास्ते ब्लॉक हो जाएं, लेकिन है ना इंसान है ना अपनी सानगिरी में रहेगा। पर ठाकुर काय का ठाकुर, काय की ठाकुराइन, जब पेटी नहीं रहेगा तो काय की ठकुराई सी। दो दिन खाना नहीं मिलेगा ना, अकल ठिकाने आ जाती है। मैं चाहूँ तो अपने पापा को एक लाइसेंस सिखा सकती हूँ कि ज़िंदगी कितनी कठोर होती है, बिना खाने के नहीं चलती, लेकिन नहीं सिखा रही यार, क्योंकि उनके अलावा कोई है ही नहीं मेरा इस दुनिया में। और ज़िंदगी सच में बहुत कड़वी है। किसी के एहसान लेने से अच्छा है कि तुम छोटा काम कर लो, तुम किसी के घर में झाड़ू पोछा लगा लो, लेकिन किसी के एहसान से ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एहसान वो पता है, जितना वो तुम पे एहसान नहीं करेगा, जितना वो तुम्हें चार पैसे नहीं देगा उससे ज़्यादा तुम्हारे वो गाएगा कि मैंने तुझे पैसे दिए। भले वो तुम्हें 400 रुपये देगा पर वो तुम्हें हमेशा उसी चीज़ से टॉर्चर करेगा। कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती हूँ आप लोगों के सामने। किस्मत से हारी हूँ तो कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ। कोशिश ये कर रही हूँ कि अपने फादर के साथ नॉर्मली रहूँ, पर जब प्रेशर पड़ता है तब मैं नहीं झेल पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं प्रेशर झेल पाऊँ। किस कुएं में गिर जाऊँ जाके समझ में नहीं आता है। मुझसे बोलते हैं तुम ससुराल चली जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ससुराल, काय की ससुराल।